बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू सुपर किचन। आज सुपर किचन में हम आपको यंग मायो सिंगापुरियन राइस बनाने का तरीका बताएंगे। बहुत ही मज़ेदार डिश है। इसको बनाने के लिए जिन जिन अशिया की ज़रूरत है वो हमारे पास ये आपके सामने हमने लगाई हुई हैं, और इसके साथ जो हम सॉस तैयार करेंगे उसकी भी चीज़ें लगाई हुई हैं। एक एक करके हम हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आपने इसको तैयार करना है। और इसके साथ हमने एक्स्ट्रा हमारी जो चीज़ है वो हमारे पास है, ये हमने समोसे भी साथ फ्राई करेंगे। ये हमने पहले से बना के रख लिए हुए हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल के ऊपर लगाई हुई है, कैसे समोसे बनाते हैं। बहरहाल सबसे पहले तो हम सिंगापुरियन राइस की तरफ चलते हैं कि इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे किन किन स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो हमने तरतीब से सारी वेजिटेबल्स को काटा हुआ है, ये हमारे पास है गाजर, जिसको हमने स्लाइसिस के तरीके से छोटे से स्लाइस काटे हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको शेप दे सकते हैं, कोई छोटी छोटी काटते हैं, कोई बड़ी बड़ी काटते हैं। ये शिमला मिर्च है, जिसको भी हमने स्लाइसिस किए हुए हैं। ये हमारे पास हरी प्याज है, हरी प्याज को भी हमने बारीक काटा हुआ है। ये हमारे पास है बंद गोभी, जिसको भी हमने बारीक से स्लाइसिस काटे हुए हैं। इसके साथ है हमारे पास ये टमाटर के क्यूब्स हैं, जिनको हमने काटा हुआ है, और साथ में हमारे पास उबले हुए मटर हैं, हमने पहले से उबाल लिया हुआ है, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो छोटी भी हो और जल्दी से भी आप देख सकें किस तरह से बनते हैं। तो हमने पहले से मटर को बॉईल करके रख लिया हुआ है। ये हमारे पास है नूडल्स यानी स्पैगेटी, जिनको हमने बॉईल करके रख लिया है। बॉईल करने का तरीका क्या है कि आपने नीम गर्म पानी को गर्म उबालना है। जैसे पानी उबलना शुरू होगा तो आपने इसके अंदर नमक और एक चम्मच ऑयल का डाल के इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करके अब मैंने इसको ठंडे पानी के अंदर डाल के रखा हुआ है। जब हम इसको अपने सिंगापुरियन राइस को डिश आउट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही हमारे पास ये है 1 किलो चावल, जो कि हमने भिगो के रखे हुए हैं। ये हमने चिकन के पीसीज हैं, इनको भी उबाल दिया है। इनके उबालने का तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, चिकन के पीसीस लेने हैं, चाहे आप इसको क्यूब की शक्ल में काट लें, चाहे आप इसको लंबे स्लाइसिस की शक्ल में बना लें। आपने क्या करना है, इनको उबाल लेना है। तो इनका पानी आपने वेस्ट नहीं करना, जब उबालोगे आप तो आपने क्या करना है कि आपने उतना पानी लेना है जिसमें किचन भी हमारी उबल जाए और हमारे जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। अगर बच भी जाता है तो आपने उस पानी को इसी के अंदर रखना है। हमने किस तरह से इसको उबालना है कि हमने 1 टीस्पून के हिसाब से काली मिर्च डाली है और 1 टीस्पून के हिसाब से नमक डाला है। नमक डाल के पानी डाल के फिर हमने चिकन को उबाल लिया है। तकरीबन हमारे पास ये 1/2 किलो के करीब चिकन है। इसके साथ ही हमने ये कुछ आइटम्स हैं, हरी प्याज हरी मिर्च है जिसको हमने फ्राई किया हुआ है, और ये हमारे पास है लहसुन, जिसके स्लाइसिस काट के हमने इसको फ्राई किया है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा इसका भी हम स्टेप बाई स्टेप आपको बताएंगे। आप रेसिपी को बस एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही ये 2 टेबलस्पून है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमारे पास है नमक, आप हसबे ज़रूरत अपने पास रखें, क्योंकि नमक का टेस्ट जो है हम साथ साथ चेक भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ मसाले हैं, जिसमें हमने स्पैगेटीज मसाला लिया है, क्योंकि जब आप स्पैगेटीज ख़रीदने जाते हैं तो साथ ही मसाला भी आपको मिलता है। ये हमने 2 टेबलस्पून ले ली हैं, और ये साथ में हमारे पास मकरोनी मसाला है, और ये चाइनीज़ नमक है। ये हमने एसेंशियल रख लिए हुए हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जितनी हमें मिकदार ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ तो जो हमारे पास सिंगापुरियन राइस के लिए हमने यंग मायो सॉस बनाने यंग मायो जो सॉस तैयार करनी है, उसके अज़ा जो हमारे पास हैं वो ये हैं। ये हमारे पास है 1/2 कप के करीब सिरका है। सिरके के साथ ही हमने लिया है 1 प्याली के करीब हमारे पास मायोनीज़ है।
मायनीज के साथ ये हमारे पास केचप है। सॉस को बनाने के लिए हमें कुटी लाल मिर्च, चीनी और नमक की ज़रूरत होती है। चूँकि पिछले दिनों मैंने केचप घर में बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये तीनों चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं। इसके अंदर केचप भी है, इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च भी है, इसके अंदर चीनी भी है, इसके अंदर नमक भी है। इसलिए हमें एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने वही केचप लेनी है और इसके साथ हम ये लेंगे। अगर आपके पास ये वाली केचप नहीं बनी हुई तो आपने क्या करना है, सिंपल केचप लेनी है। और केचप का तरीका जो है, वैसे तो मैंने अपनी रेसिपी के अंदर अपने चैनल के अंदर अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप केचप बनाने का तरीका देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दूसरी केचप मौजूद है, सिंपल सादी केचप मौजूद है, तो आपने क्या करना है, आपने एक टेबलस्पून जो होगा कुटी लाल मिर्च लेनी है, उसके साथ ही आपने नमक काली मिर्च कुटी हुई लाल लेनी है, वो भी एक टेबलस्पून लेना है, और नमक लेना है हाफ टी स्पून, और फिर आपने वन टी स्पून के करीब आपने चीनी लेनी है। इन सारी चीज़ों को आपने साथ रखना है, क्योंकि हमने इसके अंदर सब चीज़ें मिक्स की हुई हैं, इसलिए ज़रूरत महसूस नहीं होगी। सबसे पहले हम अपने ये जो मायोनीज़ का जो सॉस है वो हम तैयार कर लेते हैं। इन चीज़ों को हम साइड पे करते हैं, क्योंकि जब हम किचन की तरफ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे किचन की तरफ चली जाएंगी, और हम सॉस भी तैयार करने में हैं, क्योंकि रोज़ रमज़ान का महीना है, हर कोई रोज़े की इफ्तारी के लिए तैयारी कर रहा है। तो मैंने कहा सॉस पहले ही हम बना लेते हैं। हमने क्या करना है, केचप इसके अंदर डालनी है, इसके साथ ही हमने ये मायोनीज डाल दिए, मायोनीज भी डाल दी, और इसके साथ ही हमने इसके अंदर सिरका डाल देना है, और इसको मिक्स करेंगे हम। ये देखें कितनी अच्छी हमारे पास स्मूथ सॉस तैयार हो गई है। केचप की रेसिपी जो मैंने अपने चैनल में अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे देखें मैंने कैसे केचप बनाई हुई है, उसी तरीके से आपने केचप बनानी है, आपको मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये हमारा थोड़ा सा था सिरका, वो भी डाल देते हैं ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से। इसको अच्छे से आपने फेंट लेना है। ये सॉस तो हमारी तैयार हो चुकी हुई है। हमने क्या करना है, अब अपने किचन की तरफ चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं कि हमने कुकिंग को कैसे शुरू करना है। तो चलते हैं अपने किचन की तरफ। अपने किचन की तरफ हम आ चुके हुए हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए हमने चावलों के लिए पहले से पानी उबलने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हमारे पास कुछ साबुत गरम मसाला था, दालचीनी थी, इलायची थी, लौंग था और छोटी इलायची थी। इन सबको हमने नमक डाल के उबालने के लिए रख दिए। इससे चावल के अंदर बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। और इसके साथ ही ये हमारा पैन है। हमने क्या करना है, इस पैन के अंदर अपनी सब्जियों को फ्राई करना है। सबसे पहले तो हम अपने चावलों को पानी के अंदर, उबलते पानी के अंदर डाल देते ताकि हमारे चावल तैयार हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है रोज़ा खुलने में, इसलिए हम चाहते हैं कि हम साथ साथ हर चीज़ को ख़त्म कर सकें। ये हमने उबले हुए चावलों को इसके अंदर डाल दिया। जैसे ही ये एक कनी चावल हो रह जाएंगे हमारे पास हो, तो हमने इन चावलों को उतार लेना है इनका पानी। आपको अच्छे से पता है कि जैसे एक कनी चावल रह जाएगा तो आपने इसका उतार लेना है। बिरयानी के अंदर भी हम वही तरीका इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ भी हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। चावलों को हल्का सा मिक्स किया। अब हमने क्या करना है, इसकी आंच तेज़ कर देनी है।
ताकि इसको उबाल आ सके। और इसके साथ ही हमने अपने दूसरे सॉस पैन की तरफ आना है, जहां हम अपनी सब फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम ना पैन के अंदर ऑयल डालेंगे। तकरीबन आपने एक कप ऑयल डालना है, कम या ज़्यादा लगे तो आपने, ज़्यादा हो तो निकाल लें, कम हो तो हम मज़ीद डाल सकते हैं। इसके नीचे हमने आग लगाई है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो हम अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ साथ हम चावलों को भी अपनी नज़र में रखेंगे ताकि चावल उबल ना जाएं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है लेकिन ये चीज़ बन जाती है। बजाय हम बाहर से बाज़ारों में से खाएं तो क्यों ना हम घर में ही खाएं बना के। अब हमने ये अदरक लहसुन जो हमने दो खाने के चमचे हमने पीस के रखा हो तो वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है, हमने इसको कोई डार्क नहीं करना। जैसे ही इसका बादामी कलर आना शुरू हो जाए तो हम इसके अंदर प्याज को डाल देंगे। चावलों को भी साथ साथ हमने नज़र में रखना है। इसकी प्लेट उतार दें ताकि चावल उबल ना जाएं। जब तक चावल उबलते हम अपने सारा फोकस सब्जी फ्राई करने की तरफ लगाते हैं। इसके साथ ही हमने ये हरी प्याज इसके अंदर डालनी है। इसको एक दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं आपने करना, सिर्फ एक दो मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। अब हमने इसके अंदर गाजर डाल देनी है। गाजर डालने के साथ ही हमने बंद गोभी डालनी है। शिमला मिर्च आपने बिल्कुल आखिर में डालनी है। मटर तो हमारे पहले से ही बॉयल है, मटर को डालने की ज़रूरत नहीं है। मटर भी हम एंड में और शिमला मिर्च भी हम एंड में डाल देंगे। और टमाटर जो हमने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं वो भी एंड में डालेंगे। इसके साथ ही हमने बंद गोभी डालनी है। इनको हल्का सा आपने फ्राई करना है। फ्राई करके इसके साथ ही हमने एक अदद आलू भी काटा हुआ है, जो पहले मैं भूल गई थी, लेकिन हमने आलू भी इसके अंदर साथ डाल देना है। आलू के स्लाइसेस मैंने काट लिए हैं।
लेते हैं, इसको हल्का सा पानी का छींटा लगाते हैं ताकि हमारी ये सब्जियां गल जाएं हल्की हल्की। हल्का सा पानी का आपने छींटा लगाना है इसको। और साथ ही हमने इसके अंदर अपने मसाले डाल देने हैं। ये चाइनीज नमक भी डाल देना है। मसाले आपने आपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालने हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी देना है तो आप स्पाइसी मसाले इसके अंदर डाल सकते हैं। मुझे लगता है हमारे चावल भी हो चुके हुए जी। हमारे चावल हो चुके हुए हैं, हम चावलों का पानी उतार दें वरना चावल ख़राब हो जाएंगे। इसको दरमियानी आंच पे हम पकने के लिए रख देते हैं। इसको कवर कर देते हैं ताकि ये हमारा पक जाए और अपने चावल और चावलों का पानी उतार लेते हैं। ये देखिए चावलों का पानी हमने उतार लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे एक कनी चावल हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे हमारे मसाले तैयार होते हैं तो हमने इसको दम पे लगाएंगे। अब इसके साथ हमने क्या करना है, मसाले भी डाल लिए थे, थोड़े से सॉसेस भी डालेंगे। दो दो टेबलस्पून के हिसाब से आपने डाल लेना है सॉसेस। दो खाने के चमचे आपने ये तीनों सॉसेस लेने हैं ताकि इनका फ्लेवर आ सके। मुझे तो अंदाज़ा है ना कितना डालना है, इसलिए मैं डाल लेती हूँ। अब इसकी आंच तेज़ कर देते हैं ताकि हमारा मसाला जल्दी से हो जाए। जैसे ये थोड़े से मसाले फ्राई होते हैं तो हम अपने चावलों को तह लगाना शुरू करेंगे। सर अपने मसाले को देखते जाएंगे कि हमारा मसाला कहाँ तक पहुँचा है। अब आप इसकी प्लेट उतार दें ताकि ये हमारा अंदर से मसाला के पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब हमने इसके अंदर अपने वो भी चिकन भी डाल लेना है। और साथ ही हमने शिमला मिर्च भी डाल लेनी है। और साथ ही ये मटर और टमाटर डाल देने हैं। इनको बस आपने हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना। क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राई किया तो टमाटरों का पानी निकल आएगा बाहर। साथ साथ हम अपने समोसों को भी देख लें। एक दो मिनट के लिए हमने इसको देखना है, फिर इसके बाद हम अपने चावल की तह लगाना शुरू हो जाएंगे क्योंकि हमारी ये मसाला तैयार हो चुका होगा है। ये देखिए समोसे हमारे फ्राई हो रहे हैं।
मसाला हमारा तैयार हो चुका हुआ है। इसको हम उतार के नीचे रखते हैं। साथ ही हमने क्या करना है, बड़ा हमने भगोना लेना है। बड़े भगोने का फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारे चावल की तय आसानी से बनते हैं। बड़े भगोने के नीचे हमने आग लगाई हुई है, इसके अंदर हमने ऑयल थोड़ा सा डाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावलों को नीचे से उनकी जो तय है वो ख़राब ना हो, लगे ना नीचे से, क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे चावल नीचे से लग गए हैं, तो आपने क्या करना है, एक टेबल स्पून है इसके अंदर दही का डाल देना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये चावलों को चिपकने नहीं देता। ये चारों तरफ आपने इसको खिला देना है। हमारे चावल बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। जैसे ही थोड़ा सा हमारा ऑयल गर्म होता है, हमने क्या करना है, फिर अपने चावलों की तह लगाना शुरू हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, चावल की तह लगानी है। अब ये जो थोड़े से चावल रह गए हैं, इनके भी तह लगा देंगे। खुले बर्तन में तह लगाने का फ़ायदा हमें ये होता है, एक तो चावल टूटते भी नहीं हैं, और दूसरा ये है खिले खिले चावल आपको मिलेंगे। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी के अंदर हमने पानी लेंगे, उसके अंदर फूड कलर मिक्स करेंगे और फूड कलर भी साइडों में लगा देंगे। ये देखें, ये फूड कलर साइडों में डाल देना है, इससे खूबसूरत चावल लगते हैं, निखरे निखरे से चावल हमारे लगेंगे। अब हमने इसको दम के ऊपर रख देना है। जब इसका धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, जैसे हमने आपको बिरयानी के अंदर बताया था ना कि इतना धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, तो तब हमने इसको डिश आउट करेंगे आपके सामने। इसको दम पे लगा देते हैं। अब हम अपने समोसे की तरफ चलते हैं ताकि हम अपने समोसों को फ्राई कर सकें, जो बाकी के समोसे रह गए। ये देखिए, हमारे चावलों का भाप आना शुरू हो गई है। अब हमने इसको हल्की आंच पे रख देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखना है। जैसे ही हमारा दम पे आ जाएंगे हम, जी जनाब, चावल हमारे दम पे आ चुके हुए हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से दम हमारा आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अपने ट्रे के अंदर इसको मिक्स कर लेंगे ज़रा। ये देखें, इससे ना बहुत अच्छे से हमारे चावल मिक्स होते हैं खुले बर्तन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रे के अंदर निकालेंगे।
अब हम आपको ये बताएंगे, हमने जो ये नूडल्स रखे हुए थे ये कहाँ पे यूज़ करने हैं हमने। और सॉस को और नूडल्स को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। डिश आउट हमने कर दी है, अब हम इसके ऊपर ये नूडल्स को फैलाएंगे। ये देखें, ये हमारा नूडल आ गए। इसके साइड में ये सॉस जो हमने बनाई थी यंग मायो सॉस, इसको हम साइडों में ऐसे इसके डाल लेंगे। सॉस डाल दी। अब ये जो हमने अपने लहसुन को फ्राई किया हुआ था और हरी मिर्च फ्राई की हुई थी, ये हमने इसको डालना है इसके ऊपर। ये हमारे सिंगापुरियन राइस विद यंग मायो सॉस के साथ तैयार हो चुके हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक दफ़ा आप अपने घर में खुद बना के देखें तो आपको इसके टेस्ट का अंदाज़ा होगा। अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको हर स्टेप का पता चल सके कि मैंने हर स्टेप के पे क्या क्या किया है। जब आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और ऐसे अपने दोस्तों में इसको अपने दोस्तों में भी लाजमी शेयर करें। अपने नए वीडियो के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। देखते रहिए सुपर किचन।